हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं इथिकल हैकिंग के बारे में। हैकिंग के बारे में कि अभी हैकिंग बढ़ रहा है, जैसे डिजिटल फॉर्म बढ़ रहा है उस तरह से हैकिंग भी बढ़ रहा है। आजकल जो जमाना है वो डिजिटल का जमाना है, एंड फ्यूचर में जो स्कोप आने वाला है वो भी डिजिटल ही आने वाला है। तो डिजिटल के जितनी बेनिफिट्स है उसके उतने डीप बेनिफिट्स भी है, कि जितना हम ऑनलाइन रहते हैं उस ऑनलाइन के अकॉर्डिंग उसके डिफेक्ट भी है। हैकिंग टोटल इन इंडिया करके मैं सर्च करती हूँ, देखो 1.12 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 अगेंस्ट 13.19 लाख इंसिडेंट्स इन 2022। मींस जो ये हैकिंग है वो दिन बर दिन बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी पड़ेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें सिक्योर रहना है तो हमें हैकिंग से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं उसका यूज करना पड़ेगा। लाइक आप कभी किसी वेबसाइट को यूज करते हो, वहां आपको पूछ रहा है कि अलो कुकी, तो जो वो आप अलो कर रहे हो अलो में वो आपकी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो ले रहा है, वो आपको पता नहीं है लेकिन वो डिटेल्स आपकी गेट कर रहा है। लाइक आपका लोकेशन, आप किस ब्राउजर, किस आईपी एड्रेस, किस डिवाइस से जो कनेक्टेड हो और वो यूज कर रहे हो, तो वो सारी डिटेल्स आपके पीसी थ्रू उनको फ्री में मिल रही है। अगर ये सभी डिटेल्स वो गेट कर रहा है तो मींस ऐसे आप तो लॉगिन भी करते होगे, गूगल लॉगिन, मींस आपका डेटा डेली हैक होने के चांसेस ज्यादा ही है। अगर आपको हैकिंग से बचना है तो एक ऐसा फ्री टूल है जिसका यूज करके आप हैकिंग से बच सकते हो, वो टूल मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में, और इसका यूज कैसे करना है वो भी हम जानने वाले हैं डिटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने वाली हूँ जिससे आप सेफ रह सको अर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस टूल के बारे में। आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वेयरएक्स। स्क्वेयरएक्स एक एक्सटेंशन है, जैसे ही आप स्क्वेयर एक्स लिखते हो जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ रही है आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो देखो यहाँ पे बी फेयरलेस ऑनलाइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, मेलेशियस वेबसाइट, मेलेशियस फाइल, मेलेशियस कंटेंट, मेलेशियस नेटवर्क, मींस ये सभी जो चीज है उससे प्रोटेक्ट करता है आपको, मींस ऑनलाइन पे बने रहने के लिए आपको वो प्रोटेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं, चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आपको ये एक्सटेंशन यूज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड स्क्वायर एक्स टू क्रोम। जैसे ही उस पे क्लिक करते हो आपको रिडायरेक्ट कर देगा क्रोम एक्सटेंशन के पेज में। आपको यहाँ पे करना है एड टू क्रोम। जैसे ही एड टू क्रोम करते हो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड एक्सटेंशन। जैसे ही एड एक्सटेंशन पे आप क्लिक करते हो देखो ये यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपको यहां से उस पर क्लिक करके उसको पिन कर देना है, यहां ले लेना है। जैसे ही आप वहां पे पिन करते हो आपको क्या क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करना है, यहां से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है। जैसे आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हो आपको फिर यहां स्क्वायर एक्स पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हो यहां पे फोर टाइप्स ऑफ उन्होंने एक मेनू दे रखा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किसका क्या मीनिंग है और क्या यूजेस है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है आपको यहाँ पिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आपको प्लस यहाँ पे क्लिक करना है डिस्पोजेबल ब्राउजर। अब डिस्पोजेबल ब्राउजर का मीनिंग क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप कभी वेबसाइट ओपन करते हो किसी और की तो आपको वहाँ पर पूछ रहा है कि कुकी अलाउ करना, अलो या डिनाई, दोनों बटन होते हैं। आप जब अलो पे क्लिक करते हो डेट मींस आप एक्सेस दे रहे हो कि वो आपका लोकेशन ट्रैक करे, आप कहाँ से कर रहे हो, किस आईपी एड्रेस से कर रहे हो, सारी डिटेल्स उसमें से गेट हो जाती है। अगर आपको उससे सिक्योर रहना है तो आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करते हो देखो यहाँ पे आ गया डिस्पोजेबल ब्राउजर। डेट मींस अब जो आप यहाँ पे सर्च करोगे वो आपका सर्च ऐसा होगा कि जिससे वो आपका लोकेशन ट्रैक कर नहीं पाएंगे, मींस आप उससे बच सकते हो। तो ये हो गया कि आप इस टाइप के हैकिंग से बच सकते हो। तो आपको कुछ भी सर्चिंग करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ से कर रहा है, तो उससे आप हैकिंग से बच सकते हो। दूसरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको अगेन क्लिक करना है। दूसरा है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर।
कभी लाइक आपके पास कोई पीडीएफ है या फिर कोई ऐसी इमेजेस है या फिर आपके पास डॉक फाइल है तो क्या करते हो आप लाइव ओपन कर लेते हो उसको। जब भी आप लाइव ओपन करते हो देट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपकी फाइल अनसिक्योर हो रही है, वहां से हैकिंग आपकी फाइल को हैक कर सकता है। तो आपको जब भी ऐसी फाइल ओपन करनी हो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर जो आ गया आपको यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है। देट मीन्स अब वो फाइल आपकी सिक्योर है। तीसरा हम देख लेते हैं, आपको अगेन यहाँ पिन पे क्लिक करना है, यहाँ डिस्पोजेबल ईमेल करके आ रहा है और साथ में वो आपको एक डमी ईमेल दे रहा है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से उसका इनबॉक्स चेक कर सकते हो और ये ईमेल आपको यूज नहीं करना है तो रीजनरेट पे जाके आप न्यू भी जनरेट कर सकते हो। अब इसका यूज क्या करना है, लाइक कभी आप कोई वेबसाइट यूज करते हो, कभी आप कोई वेबसाइट यूज करते हो तो इसमें ईमेल यूज करना पड़ता है तो वो ईमेल कहीं ना कहीं आपका इनसिक्योर है क्योंकि वो हैकिंग होने के चांसेस है। और जो आपका ईमेल आईडी है वो सिक्योर इसलिए है क्योंकि उससे साथ बहुत सारे डेटा कनेक्टेड होते हैं, तो मीन्स वो आपके मेल में ऐसे थ्रेट सेंड कर सकते हैं या ऐसा स्पैम मेल सेंड कर सकते हैं जिससे आपको हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे बचना है तो आपको ये वाला ईमेल करो, किसी भी वेबसाइट में आप लॉग इन करो तो आपका ये वाला जो ईमेल आईडी है वो वहाँ पे यूज करना है, वो आपको फ्री में सपोर्ट दे रहे हैं। उसके साथ जो स्मार्ट इंटीग्रेशन है उसको आपको ऑन ही रखना है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑन ही है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑन ही है, इसको ऑफ नहीं करना है, इसको ऑन ही करना है। ये स्क्वायर एक्स टूल ऐसा टूल है जो आपको हैकिंग से बचा सकता है और वो भी फ्री में दे रहा है तो आपको इसका यूज करना है क्योंकि बहुत सेफ है और फ्री में सपोर्ट कर रहा है। खास बात यही है कि फ्री में सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगे, कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे वीडियोस देती रहूं। थैंक यू।